स्वागत है दोस्तों तुहाडा अपना सांझा पंजाब टीवी ते मैं भुपिंदर सिंह सज्जन। दोस्तों कल तो लैके हुण तक लगातार एक मामला बहुत ज़्यादा ही भखिया होया हैगा, आउंदे दिनां तक भी यह सारा चलदा ही रहना हैगा और मैनूं लगदा कि चलदा रहना चाहिए पर वधिया शब्दावली दे नाल, तां कि इहदे विचों कुछ ना कुछ चंगा निकल के, क्योंकि गल्लां रिड़क हुंदियां ना जदों कोई कई वारी कोई मसला रिड़क हुंदा हैगा शब्दां दे रूप दे विच, पोस्टां दे रूप दे विच, सोशल मीडिया दा युग अज्ज तो उस रिड़की हुई गल दे विचों कुछ ना कुछ तत् निकल के जरूर सामने आउंदा हुंदा, पर उहदे लई जिहड़े लफ्ज़ हैगे सानूं जरूर सारिआं नूं ध्यान करना चाहिए कि संकोचमें होण, बड़े ही सभ्यक अल्फाज वरते जाण। जदों पोस्ट लिखते हैं आपां सोशल मीडिया दे उपर जां कोई वीडियो बनाउंदे आं जां गल करदे आं ते बड़े सभ्यक शब्दां दे विच उह सारा कुछ कीता जावे। मामला की हैगा आपां उहदे बारे पहलां गल कर लैंदे आं। वारस पंजाब दे जथेबंदी दे मुख सेवादार भाई अमृतपाल सिंह वल्लों अपने साथियों ते संगत दे सहयोग दे नाल जिहड़ी खालसा विहीर की आरंभता की गई है, हुण खालसा विहीर जदों आरंभ हुई सी अकाल तख्त साहिब तो उदों तो लैके हुण तक राहां दे विच मैं कवरेज करन वास्ते गया सगा, उदण भी देखिया सगा ते हुण जदों कवरेज करन नहीं भी विच कई बार जाईदा ते उदों भी देखदे आ कि संगतां दे विच उत्साह है, संगतां वध चढ़ के हिस्सा लै रहीआं ने। देखो उत्थे संगतां दे विच जो मैं वेख के आया ना, जिते संगतां दे अंदर इस गल दा हुंदा हैगा कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं असीं नतमस्तक होणा, असीं उत्थे नाल नाल खास करके नौजवानों के अंदर, बीबिया ते बजुर्गों के अंदर भी एक ये तांग भी मैं अपनी अखां नाल वेख के आया कि असी अमृतपाल सिंह नूं एक बार जरा मिल लईए, जरा एक बार अमृतपाल सिंह नूं भी असी तक लईए। नौजवानों के अंदर खास करके एक उत्साह हैगा कि असी अमृतपाल सिंह दे लागे खड़े हो जाइए, एक सैल्फी हो जाए जरा, फिर वो माण महसूस करदे आ, उन्हां नूं लगदा कि नहीं साडे लई राह दसिरा है, उन्हां नूं अमृतपाल सिंह दे अंदर एक खिच महसूस हुंदी आ भी अमृतपाल सिंह जिहड़ियां गल्लां बोलदा हैगा भी सानूं वह गल्लां सारियां समझ के ते अपने अंदर धारण करन दी जरूरत है, भी अमृतपाल सिंह जो कह रहा जो कर रहा वह खालसा पंथ अते पंजाब दी बेहतरी वास्ते जायज़ है, वाजब है। तो चलो आपां मसले मामले की गल करते हैं। हुण जदों खालसा विहीर चलदी 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 हुण कल एक गुरु घर दे विचों जिदा तुसीं सारे देखदे हां, आपां सारे जणे जाणदे हैगे कि गुरु घरां दे अंदर जिथे महाराज दा प्रकाश कीता हुंदा हैगा उस हाल दे अंदर मुरे संगत बैठी हुंदी आ, पिछले बन्ने कई जणिआं ने कुर्सियां लगातीआं, कईआं ने पक्के सोफे लाते और कई बार फिर इतराज़ जिहा भी होया भई नहीं तुसीं सोफे लाते संगत तो उच्चे करके बहाउंदे हो कुछ बंदिआं नूं ते कुछ बीबिया नूं, फिर कई सज्जणां ने की कीता हैगा कि जिथे संगत बहिंदी है दीवान हाल दे अंदर पिछले बन्ने उह पुट के ना थोड़ा जिहा टोआ डूंघा जिहा करके टैला टूला ला के वधिया बना के उन्होंने वह कुर्सियां नीवियां कर दित्तियां, सोफे नीवें करके लाते। सो हुण जदों सोफे नीवें करके लाते उधर चौंकड़ियां मार के बैठे हुए सज्जण संगत ते पिछले बन्ने जिहड़े कुर्सियों के उपर बैठे हुए आ भी उन्हां दे सिर जिहड़े आ उह बराबर जिहे हो गए, इदां जिहा हो गया हुण। सो उस गल नूं लै के दो तरह दीआं गल्लां उभर के सामने आ रहीआं ने, तीजी तरह की गल एक होर भी हैगी उहदे बारे भी गल करांगे। हुण गल्लां उभर के ये सामने आ रहीआं ने, कई सज्जणां दा ये कहना हैगा कि बहुत ही शलाघायोग कदम है भी ये सारा कुछ इदां ही होना चाहिए। अमृतपाल सिंह होरां ने कल उत्थे गल्लां भी बोलियां ने, बड़ियां सोहणियां गल्लां बोलियां ने और वह गल्लां वाजब ने। आपां इह वी गल करांगे कि ये जिहड़ी पिरत हैगी आ गुरु घरां दे अंदर कुर्सियां जां सोफियां दी क्यों पै गई जां किद्दां पै गई होऊंगी, अंदाजे आपां ला सकदे हां, आपां सारे जणे बहुत ज़्यादा समझदार भी हैगे हां, आपां सारे जणे समझ सकदे हां, क्योंकि कोई पुरातन थोड़ी रवायतां पहलां तो चलियां आ रहीआं भी सोफे लगदे हुंदे सीगे, अकल दीआं गल्लां साडे वेखदे वेखदे ही सारा कुछ शुरू हो गया है। सो बहुत सारे सज्जण इस गल की शलाघा कर रहे हैं, जिथे उत्थे बहुत सारे लोग इदां दे भी हैगे ने, उन्हां दा कहना हैगा कि शलाघा असीं जरूर करदे हां पर जिहड़े तरीके दे नाल कल सारा कुछ उत्थों अंदर सोफे कुर्सियां चुक चुक के बाहर सुट्टे गए भन्ने गए ते जिस तरीके दे नाल जिहड़े उन्हां दे संगी साथी सीगे जिहड़े सुट रहे सीगे बाहर भी उन्हां दी शब्दावली उन्हां दी गल्लबात दा तरीका नहीं सी कहिंदे ठीक, कई सज्जणां दा इदां कहना हैगा आ। अच्छा ते दूए बन्ने जिहड़ी दूजी गल हैगी आ उह बहुत सारे सज्जण इह गल कह रहे आ कहिंदे कि जिहड़े बजुर्ग ने जिन्हां दीआं लत्तां दे विच कोई समस्या आ जां जिन्हां दे गोडिआं दा ओपरेट होया, कई मावां भैणां बजुर्ग हुण कई इदां दे सज्जण हैगे आ, मैं कईआं नूं जाणदा वह बचपन तो लैके जवानी भी निकल गई बजुर्ग भी हो गई मतावां लगातार 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 गुरु घर आउंदियां उह, हुण उहनां दे अंदर एक तांग वा, वह कहिंदे कि असीं लगातार गुरु घर आउंदे आ भी हुण जे असीं बीमार हो गए हाँ तो हुण असीं गुरु घर च एंटर नहीं हो सकते, भी असीं जे मत्था टेकिया मत्था टेकण तो बाद हुण संगत दे विच पहलां वांग असीं जिहदा अगे बहि लैंदे हुंदियां सीगियां आपां भी चौंकड़ा मार के भी हुण जे असीं नहीं बहि सकदे साडे गोडे दा जां साडी लत्त दा जां साडे लक्क दा ओपरेट हो गया कोई तां हुण इहदे साडा की कसूर आ, भी साडे अंदर एक तांग वा भी असीं भी गुरु की हजूरी दे विच रहीए, असीं भी संगत दे नाल ही बैठे रहीए, असीं गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए, असीं भाई साहब जदों कथा करदे आ जां जदों लैक्चर हुंदा हैगा असीं उत्थे बैठ के सरवण करिए,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹੀ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਲੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਮੈਤੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਗਧੇਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਨ ਖਿਲਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕਾਂ ਉਤਰੇ ਵਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਵ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਡੇਰੇਦਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਵੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਐਨ ਖਿਲਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫੰਕ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ
पर जो ऑपरेशन होया होगा तेन तेन पहला डेरा बना के खोलन किसी ने आखे भी डेरे बना के बैठ उत्थे सा मत्थे टकवा अपने आप नू। सो वो जिहड़े हैगे आ हुण गल्लां हो रही पे उहनां दे उहनां वल नू कौण जावे। सो एक ये भी गल हैगी उत्थे भी गल ये हैगी कि आपसी टकराव तो बचा जाए। हुण जिहड़े आम गुरु घर हैगे ने डेरेदारां तो इलावा मैं बेनती करा जे सुहिरद सज्जण उत्थे जाके उहनां नाल गलबात करनगे तां मैनूं उम्मीद आ कि वो जरूर थोड़ा जिहा कहणगे कि आओ आपां मिलजुल के इस मसले का कोई ना कोई हल कढ लैने आ। एक गल जिहड़ी गल मेरे मन च घुम रही आ भी कुर्सियां लगनियां शुरू किदां होईआं होंगीआं तुसीं भी जरूर सोचदे होंगे कुछ ना कुछ। मैनूं तो यह लगता हैगा कि साडे विहंदिआं विहंदिआं ही सारा कुछ होया। अजे निक्के निक्के हुंदे सी गुरु घर जा कोई कुर्सी करसी नहीं सी हुंदी उदों कख भी नहीं सी हुंदा उदों कोई सोफे नहीं सी लगे हुंदे आ हुण ही आ गया इदां जमाना जिहा। पर हुण रब जाणे पिछले पुराने समय वाल भी झात मार के वेख लो उदों भी सरीरां ते फट लगे हुंदे सी बजुर्गां दे मैदान जंग दे विच भी जूझदे हुंदे सीगे दीवान भी लगदे होणगे उदों सारा कुछ हुंदा सीगा उदों किद्दां बहिंदे सीगे भला उदों भी किसे ना किसे तरीके नाल तां बहिंदे ही होंगे। वाहिगुरू जाणे इतिहास खोजिआ जा सकदा जिहड़े आगू हैगे ने उहनां तों इलावा जिहड़े बुद्धिजीवी हैगे ने जथेबंदियां दे मुखी हैगे ने उह मिल जोड़ के मिल बैठ के इह सारे मसले दा हल कढ़न भी ढुकवां हल की होणा चाहीदा उहदा। मैं सोचदा हैगा कि जो साडे बहिंदिआं बहिंदिआं होइआ जो मैनूं लगदा कि जदों संगत दे विच सारे बहिंदे आ इदां हुण जिहड़ियां माइयां बीबियां बजुर्ग जां कोई भी जिहनूं कोई समस्या आ गई जिहदी लत्त दा ओपरेट हो गिआ जां किसे नूं कुछ भी समस्या आ गई वह अंदर आ के मत्था टेकिया जे झुक के मत्था टेक होया तां ठीक जे नहीं तां खड़े खड़ोते मत्था टेके। हुण जदों बाहर जाण लगा होऊंगा तां हो सकदा किसे प्रबंधक ने कहता होवे वी कोई गल नहीं जे तुसीं चाहुंदे हो कि अंदर बैठ के लाहा लैणा आपां गुरबाणी दा जां वी चलो तुसीं इत्थे साइड दे उपर कुर्सी डाह के बहि जाओ पर उदों अगे पिरत पै गई गल जिदा कहिंदे ने वी गल सहि दी नहीं गल पहि दी हुंदी आ। सो मैनूं लगदा कि उस तों बाद हौली 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 गिरावट आउणी शुरू हो गई और गिरावट इस कदर तक आ गई। मैं किसी की उदाहरण नहीं दूंगा मैं अपनी खुद की उदाहरण दिना खिमा मंग के मैं अपनी आप सच्ची उदाहरण देन लगूँ दिंदा। मैं अपनी किसी गुरु घर में बैठे सके जलंधर शहर की गल है उत्थे होया कि मैं जो अंदर गया दीवान हाल दे ते अंदर हले समागम की आरंभता नहीं सी हुई विरली विरली संगत आण के बह गई सी हले समागम की आरंभता नहीं सी हुई। मत्था टेकिया मैं जो पिछे नूं मुड़न लगा तो अंदर एंटर होंदे सज्जिया तो उत्थे इदा सोफे लगे हुए आ सोफे इदा हाल वा हाल तो पिछले बन्ने इदा टोआ पट के थल्लों नीवां कीता होया नीवी जगह दे उपर सोफे लगे वा एक बजुर्ग सीगे उत्थे बैठे मेरे वाकफ सीगे ठीक नहीं सीगी उहनां दी तबीयत। मैं जाके उहनां नूं बुला लिया नाल दा सोफा जिहड़ा सीगा खाली मैं उत्थे जाके इदा हौली हौली करदे करदे मैं हाल चाल पुछदा पुछदा बहि गया उत्थे। मैं जदों बहि गया हाल चाल पुछिआ तो सामने माइक ऑन होया स्टेज सैकटरी ने अनाउंस की अनाउंसमेंट की वह कहें कि बाहर जल पानी के लंगर चल रहे थे जिन्हें जल पानी छक लिया है बेनती आ कि अंदर आ के बैठो समागम की आरंभता होने वाली है। हौली हौली संगत अंदर आनी शुरू हो गई जो अंदर आनी शुरू हो गई संगत तो फिर वह बोलना शुरू हो गया जदों तो मैं शर्म जी आ गई मैं मना भी सारे आ के मत्था टेके बैठी जाते भी तू कहू ढीठा गो हूँ बजुर्गों के नाल ही चिंबड़ के बह गया भी उन्होंने तो समस्या आ भी तू उठ के इतों मैं उतों उठ के ना फिर उधर न आ गया। सो ये अबेसलापन जहा हों कई बार देखो देखी जा कई बार बंदा कहता चल हो कोई गल नहीं कई बार चल हो दे चक्कर में ना चंगे भले तंदुरुस्त बंदे भी वो भी तुसी देखो वो भी बैठे होंगे कई बार बैठे होंगे अक्सर तुसी देखोगे निगाह मार के वेखो ईमानदारी दे नाल जिदा मैं अपनी गल सुनाई है ना इदा ही ईमानदारी दे नाल जिहड़े पिछे सोफे ते बह जांदे आ कई बार कई जने सारियां दी मैं गल नहीं करदा हैगा बहुत इदा दे होणगे जां हैगे ने जिन्हां कोल चौंकड़ी नहीं मार के बह हुंदा उहनां नूं बहुत ज़्यादा समस्या आ ते कई तंदुरुस्त चंगे भले बंदे चौंकड़ी मार के बह सकते हैं जे किसी डेरे दे लै जाओ ना उत्थे चौंकड़ा मार के बैठे होंदे जाके बाबे दे पैरां च उत्थे बह हो जांदा पर इत्थे मतलब बह ही नहीं हुंदा उहनां दे कोलों। इदे बहुत सारे मैं बजुर्गों नूं भी कईआं नूं कहना चाहूँगा जरूर भी जदों गुरु की हजूरी विच जे लाहा लैणा है माफ़ी खिमा मंग के कहना मैं नहीं कहना कि कोई इदां कि जदों घरां विच तुसीं देखो विआह शादियां भी हुंदे आ ना उस वेले लक पता नहीं किदां ठीक हो जांदे आ उस वेले गोडे गुडे सब ठीक हो जांदा डीजे बजड़ डिया हुंदा उत्ते भंगड़ा जिहा भी पाउण लग पैंदे उस वेले ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਗੱਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਹਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਏ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
दुनिया भर में वसदे सिख महसूस कर रहे अगे लोड़ महसूस करते सके भी एक लीडरशिप इदा की होनी चाहिए नौजवान की नवी नरोई हुण उन्होंने सारे लगता है कि नवी नरोई एक इदा की लीडरशिप नौजवानों की उभर के सामने पंजाब दे विच आ गई है जिहड़ी कि बहुत कुछ ठीक कर देगी। सो मैंने लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संभल के चलना पऊगा हुण ते जिवें कल भी जिहड़ी घटना वापरी है भी किसी नूं इह कहण दा मौका ना मिले भई देखो जी जिहड़े नाल दे संगी साथी सीगे भी उन्होंने चक चक के बाहर मारियां कुर्सियां उन्हां दी शब्दावली होर तरह की सीगी क्योंकि पहली बार ये कार्ज होया हैगा। पहली बार जो कोई भी कार्ज करना है जी माड़ी पिरत पहला लंबे समय तो चलती आ रही है पहला ढंग तरीके एक बार कर करवा लिया जाए उदा मेरे मन च ख्याल ही आ रहा सगा काश कितने इदा का हुंदा जां आने वाले समय में भी कितने इदा हो जाए प्रबंधक कमेटियां नूं प्रेरिया जाए उन्होंने कहा जाए भी जे तो तुहाडे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पता हुंदा गली महल्ले पता हुंदा भी जे तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ इदा है कोई सियाणा बजुर्ग तो फिर गौर या जो भी करन दी लोड़ है मैं नहीं कहना कि इदा किया जाए जिदा ना किया जाए ये सुहिरद सज्जन जड़े ने वह फैसला करन वह सोचण बुद्धिजीवी है सारे वह सोचण करन की करन दी लोड़ हैगी जो भी हैगा तो उन्होंने प्रेरिया जाए कि आवागमन जिहड़ियां कुर्सियां सोफे लाते है तुसीं आप कहो कि असी ये अपने गुरु घरां विचों कढ़न जा रहे हैं भी असी इदा की पिरत नहीं पैण देंगे भी चंगे भले तंदुरुस्त बंदे भी आके उत्थे बैठी जाण उम्मीद करदे हां कि इदा का उपराला किया जाऊंगा और नाल ये भी उम्मीद करते हैं कि जी गल वा ना भी डेरेदार वाले बन्ने कौन होगा उधर भी कोई जाए वो भी एक बड़ी बड़ी जदोजायदा तो वास्ते भी गल यह है कि जिदा हुण मैं पोस्ट पढ़ रहा सगा एक सज्जन दी उन्हें लिखा कि अमृतपाल सिंह ने ठेका लिया जां किसी एक धिर ने ठेका लिया कि उधर भी मैं ही जाना तो उधर भी मैं ही जाना भी जिहड़े पोस्टा पा रहे भी तुसीं हो जाओ डेरेदार वाले बन्ने तो मैं बेनती करा कानू आपां एक दूजे नूं टकोरा मारनियां कोई एड्डी गल नहीं हैगी जिहदे कोल जिन्नी क समर्था हैगी है मैनूं लगदा कि असी सारे जने उन्ना क कम करदे रहिए अपने पंजाब ते पंथ की बेहतरी के वास्ते तो ठीक है एक दूजे नूं ताने ना मारीए एक दूजे नूं मिणे ना मारीए हाँ कोशिश करिए कुछ इदां दे अलफाज बोल के कि किसी का वधिया जिहे लफ्ज़ां दे नाल दिल टुंबिया जाए तो अगले नूं भी लगे कि लै भी जे इन्हां ने आह चंगा कम किया तो मैं भी आह चंगा कम करन वास्ते इन्हां दे नाल तुर पवां जे नाल नहीं तुरना चलो मैं उदां दा चंगा कम अपने तौर पर कर लवां कुछ इदा का आपां जरूर कर लीए तो आप चंगे रहांगे जाते जाते एक गल जरूर जिदा मैं विचाले भी कर हटियां कि संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा जी भिंडरां वाले जे सानूं लगता कि वह असी उन्हां तों प्रेरणा लै सकदे हां तो उन्होंने इस गल का ध्यान रख्या सीगा कि जदों असी अज भी जे मन्नदे हां कि लड़ाई किन्हां दे नाल आ जे लड़ाई हुकूमतां दे नाल आ जालम हुकूमतां दे नाल आ जे लड़ाई इस गल दी आ कि असी इत्थे गुलामां वर्गा जीवन बसर कर रहे हां जे लड़ाई इस गल दी आ कि जिन्हां ने सानू इत्थे गुलाम जिहा बना के रख्या होया भी असी उन्हां दे नाल लड़ना आ तां फिर जिहड़ियां आपस विच अपने वर्गे हैगे आ जिन्हां विच किसे च मेरे च ज़्यादा गिरावट आ गई है थोड़ी जी किसे च थोड़ी होर ज़्यादा आ गई आ किसे च थोड़ी घट आ गई आ भी आपस में आपां ज़्यादा एक दूजे के दुआले ही कितने एक दूजे के विच ही उलझ के ना रह जाइए इस गल का मैनूं लगता कि सानूं जरूर ध्यान रखना चाहिए आ इस गल का ध्यान रख के आपस में ना उलझ के आपस में माड़ा माड़ा एक दूजे को आप दुरुस्त करते ठीक जहाँ करते कुरते इदा ढंग तरीके आप अगे वधीए अपना ध्यान जिहड़ा हैगा अपनी मुख लड़ाई वल रखांगे तो असी सुरखरू भी होवांगे और इतिहास के सुनहरी पन्नों के उपर नाम लिखा जाऊँगा उन्हां दा जिहड़े जिस मकसद की खातर लड़ाई विढ़ी जा रही है जां विढ़ी हुई है पहलां दी जे वह मकसद पूरा हो जाऊंगा तो जां मकसद पूरा करन दे विच जिहड़े जिहड़े भी योगदान पाउणगे तो उन्हां दा नाम इतिहास के सुनहरी पन्नों के उपर लिखा जाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारे जने इन सारिया गल्लां दा ध्यान जरूर रखांगे और एक हथ बन के बेनती है कोई भी भावें कोई भी हो किसी नूं भी मावां भैणां धीआं दीआं गालियां कढ़न तों गुरेज करिए आप सारे जने ना ये सारा कुछ करिया करिए माड़ी गल आ इंज ना करिया करिए तरलाइया हथ बन के बेनती है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।